नमस्कार, ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विजया सती दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में कार्यरत हूँ। आज हम मध्यकालीन कविता दो के अंतर्गत सूरदास की सहृदयता और वचन विदग्धता के संदर्भ में बातचीत करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप सूरदास के काव्य की सहृदयता और भावुकता का विवेचन विश्लेषण कर सकेंगे। सूरदास के काव्य में उनकी कल्पनाशीलता का परिचय पा सकेंगे। वाग विदग्धता से परिपूर्ण सूरदास के काव्य के अंशों की तलाश कर सकेंगे। सहृदयता, भावुकता और वाक चातुर्य के लिए प्रसिद्ध सूरदास के काव्य की गुणवत्ता को भी आप जान सकेंगे और अंततः सूरदास के काव्य और कला पक्ष का उद्घाटन कर सकेंगे। गहन अनुभूति की सृजनात्मक अभिव्यक्ति रचनाकार को कालजयी बनाती है। भक्तिकाल के कवियों में यह सामर्थ्य थी। सूरदास उनमें सबसे विरल कवि हैं। जीवन की प्रगाढ़ अनुभूतियों और सबल पक्षों को उन्होंने बड़ी हार्दिकता से अपने काव्य में रूपायित किया है। कृष्ण का जन्मोत्सव, यशोदा का वात्सल्य भाव, बाल क्रीड़ा या गोपियों के हृदय की मार्मिकता, यह सब सूरदास के काव्य में सहृदय और संवेदनशील रूप से अभिव्यक्त हुए हैं। कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत सार में सूरदास के की वाणी की विलक्षणता देखते ही बनती है। वाग विदग्धता के लिए उन्होंने उद्धव और गोपियों के संवाद का आश्रय लिया है, जिनकी वाणी में वाक चातुर्य का रंग देखते ही बनता है। रचनाकार की संवेदनशीलता और भावुकता उसके मानसिक स्वरूप, संस्कार और बाह्य परिवेश से मिलकर निर्मित होती है। भक्ति आंदोलन का वह रचनात्मक दौर था जिसमें सूरदास की रचना का विस्तार हुआ। उनकी मौलिक अनुभूति उनके काव्य को विशिष्ट बनाती है। रचना की यह मुख्य प्रवृत्ति उनके काव्य की सहृदयता और भावुकता में भी अभिव्यक्त होती है। अभिव्यक्ति की विलक्षणता उन्हें अपने युग के अन्य कवियों से अलग भी करती है। सहृदयता मन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। अनुभूति के अनुकूल सहृदयता का स्वरूप अलग अलग होता है। सूरदास के काव्य में कृष्ण के जन्मोत्सव, कृष्ण के बाल भाव, राधा और कृष्ण का प्रेम और गोपियों के स्वाभाविक प्रेम में सहृदयता का स्वरूप अलग अलग अनुभूतियों के साथ काव्य को समृद्धि प्रदान करता है। कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद यशोदा के वात्सल्य और कृष्ण की बाल लीला में सूरदास इस तरह प्रवेश करते हैं मानो वे खुद उन क्षणों के दृष्टा और भोक्ता रहे हों। जब वे कहते हैं, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, तो प्रतीत होता है जैसे यशोदा की जगह खुद सूरदास ही कृष्ण को लोरी गाकर सुला रहे हैं, उन्हें सोते देख प्रसन्न हो रहे हों। बाल लीला में सूरदास कृष्ण की बाल चेष्टाओं और शरारतों का चित्रण करते हुए बाल मन के गहन भावों को बड़ी हार्दिकता और सहृदयता से चित्रित करते हैं। बाल लीला के कुछ स्वाभाविक चित्र जिनमें सूरदास की सहृदयता का दर्शन होता है उद्धृत किए जा सकते हैं। पहला अंश है, हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरननिसो नाचत, मनही मनही रिझावत। दूसरे उदाहरण में कृष्ण का प्रश्न है, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किति बेर मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। और एक अन्य उदाहरण में कृष्ण का स्पष्टीकरण, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबै मिल, मेरे मुख लपटायो। कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं, उनके हाव भाव, उनका हठ, रोना, हंसना, गाना आदि विविध प्रसंगों का चित्रण करते हुए सूरदास बालक की मनोदशा के गहराई में पहुंच जाते हैं। सहृदयता उनकी रचना में इस अर्थ में भी महत्वपूर्ण है कि वहाँ बाल मनोविज्ञान के साथ साथ माँ के हृदय की कोमल छाया का भी भावपरक वर्णन बहुत मोहक है। मैनेजर पांडे ने लिखा, वे
जब बालक कृष्ण की लीलाओं, चेष्टाओं और मनोभावों की व्यंजना करते हैं तो स्वयं बालक बने प्रतीत होते हैं, और जब माँ यशोदा की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करते हैं तो मातृ हृदय से युक्त जान पड़ते हैं। सूर की गहरी अनुभूति और अभिव्यक्ति के कारण उनकी कविता में तदाकार परिणति की अद्भुत क्षमता है। गौचारण संस्कृति में कृष्ण गाय चराने जाते हैं, सारे ग्वाले उन्हें छोटा जानकर उन्हीं से गायों को घिरवाते हैं, जिसकी शिकायत कृष्ण माँ यशोदा से कुछ यूं करते हैं, मैया होन चरई हों गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन और उनसे उन दोनों के मन में उपजने वाले प्रेम और आकर्षण का मनोहारी चित्रण सूरदास ने बड़ी संवेदनशीलता से किया है। वे लिखते हैं, खेलन हरिनिक से ब्रज खोरी, गए श्याम रवि तनया के तट अंग लसति चंदन की खोरी, औचक ही देखी तह राधा नैन विशाल भाल दिए रोरी, सूर श्याम देखत ही रीझे नैन नैन मिली परी ठगोरी। सूरदास के काव्य में सहृदयता की स्वाभाविक अभिव्यक्ति राधा कृष्ण के प्रेम और विरह में दिखाई देती है। गोपियों में राधा कृष्ण से सबसे अधिक प्रेम करती है, इसीलिए उनके ऊपर कृष्ण के विरह का असर सबसे गहरा दिखाई देता है। सूरदास लिखते हैं, अतिमलीन वृषभानु कुमारी, हरि श्रम जल अंतर तनु भीजे, ता लालच न धुआवती सारी, अधो मुख रहति उरध नहीं चितवती, ज्यों गत हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन कुम्हिलाने, ज्यों नलिनी हिम कर की मारी, हरि संदेश सुनि सहज मृतक भई, इक बिरहनी दूजे अली जारी, सूर श्याम बिनु ज्यों हैं ब्रिज बनिता, सब श्याम दुलारी। कृष्ण के वियोग में राधा अत्यंत क्षीण हो गई। विरह जन्य प्रेम की उनकी भावुकता का पता इसी अर्थ से लगाया जा सकता है कि कृष्ण के प्रेम से उद्भूत पसीने से भीगी हुई अपनी साड़ी को वह इसलिए धुलवाना नहीं चाहती क्योंकि उसके भीतर कृष्ण के प्रेम की गंध बसी है। उनके मुख की दशा किसी जुए में पराजित जुआरी जैसी है जो अपने मुख को सदैव नीचे किए रहती है। बाल बिखरे हैं, मुख कुम्हलाया हुआ है, इन सबके ऊपर एक दुख उद्धव के योग संदेश का भी है। यह दशा न सिर्फ वृषभानु कुमारी की है बल्कि उन समस्त गोपियों की है जो कृष्ण के प्रेम में पगी हैं। गोपियाँ स्वीकार भी करती हैं, ऊधो हम अति निपट अनाथ, जैसे मधु तोरे की माखी, त्यों हम बिनु ब्रजनाथ। गोपियाँ कृष्ण के बिना उस मधुमक्खी की भांति तड़प रही हैं जिसका मधुछत्ता ही तोड़ लिया गया हो। सूर की भावुकता की यह अद्भुत पराकाष्ठा है, यह प्रेम में मग्न हृदय की उदात्त दशा है। गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम का आलम यह है कि कृष्ण के जाने के बाद उनकी आंखें लगातार कृष्ण की राह देख रही हैं, उनकी आंखों से आंसू की धार थम नहीं रही। इतना ही नहीं, सहृदयता का यह रूप गोपियों के साथ गोकुल के पशु पक्षी और कुंज सब जगह व्याप्त है। ऊधो अखियां अति अनुरागी, इकटक मग जोवती अरु रोवती, भूलेहु पलक न लागी। भावुकता और कल्पना में अंतर संबंध है। भावुकता का कोई भी चित्रण कल्पना के साथ जुड़कर विस्तार पाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कल्पना को भावुकता की सहचरी मानते हैं। उन्हीं के शब्दों में, किसी भावोद्रेक द्वारा परिचालित अंतर्वृत्ति जब उस भाव का पोषक स्वरूप गढ़कर या कांट छांटकर सामने रखने लगती है तब उसे सच्ची कवि कल्पना कहते हैं। भावोद्रेक और कल्पना में इतना घनिष्ठ संबंध है कि काव्य मीमांसकों ने दोनों को एक ही समझकर कह दिया है, कल्पना आनंद है, इमेजिनेशन इज जॉय। सूरदास ने कई स्थलों पर काव्य बल से प्रस्तुत प्रसंग के मेल से अत्यंत मनोरम व्यापार समष्टि की योजना की है।
कोई गोपिका या राधा स्वप्न में श्री कृष्ण के दर्शनों का सुख प्राप्त कर रही थी कि उसकी नींद उचट गई। इस व्यापार के मेल में कैसा प्रकृति व्यापी और गूढ़ व्यापार सूरदास ने रखा है इस उदाहरण में देखें। हमको सपने हु में सोच, जा दिन ते बिछुरे नंद नंदन, ता दिन ते यह पोच। मनो गोपाल आए मेरे घर, हंसी करी भुजा गही। भावावेग के क्षणों में सूर की कल्पना निखर कर सामने आती है। उद्धव को देखकर गोपियों के मन में अनगिनत कल्पना के भाव आते हैं। कभी वे उनका गोकुल में आने का स्वागत करती हैं, तो कभी उन पर खींच जाती हैं। उद्धव के माध्यम से कृष्ण पर व्यंग्य करती हुई गोपी कहती हैं, ऊधो भली करी तुम आए, ये बातें कही कही या दुख में ब्रज के लोग हंसाए। गोपियों का यह कहना है कि हे उद्धव, अच्छा ही हुआ कि तुम आ गए। यहाँ भी उनके कष्टों का व्यंग्यार्थ ध्वनित होता है कि इस कष्ट के समय में एक तो तुम आए और दूसरे अपने योग की अटपटी बातों से ब्रजवासियों को हंसाया। यह भावुकता मन के विषम भावों की अभिव्यक्ति है, लेकिन इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति प्रेम की अधिकता का ही प्रदर्शन है। वे कृष्ण प्रेम में इस कदर भावुक हैं कि कभी तो कृष्ण को याद कर रोने लगती हैं, तो कभी खींच कर उनको ताने देने से नहीं चूकती। निरखत स्या अंक श्याम सुंदर के बार बार लावती छाती, लोचन जल कागद मसी मिलके हुए गई श्याम श्याम की पाती। गोपियाँ श्री कृष्ण के पत्र प्राप्त कर उनके लिखे अक्षरों को बार बार देखती हैं और अपने हृदय से लगाती हैं। इस भावुकता के क्षण में उनके प्रेमाश्रुओं से वह कागज़ भीग कर श्याम वर्ण हो जाता है, जो उन्हें श्याम के जैसा ही प्रतीत होता है। यहाँ सूर की भाव प्रवणता दर्शनीय है। इन संवेगों के चित्रण में सूरदास के भावुक हृदय का दर्शन होता है। सुख दुख से भरे मन के विविध भावों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति सूरदास की कविता में आदि से अंत तक मौजूद है। विरह में तड़प, कृष्ण के रूप की आसक्ति तथा उनके दर्शन की व्याकुलता सिर्फ गोपियों में ही नहीं, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों से लेकर गाय गोरुओं में भी है। संयोग के समय घर, यमुना के हरे भरे कछार, करील कुंज जितने मनमोहक हैं, वियोग के क्षण में उसके दुख और विरह की व्याप्ति भी उतनी ही करुण है। विरह में अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हुए गोपियाँ प्रायः प्रकृति के व्यापार के साथ भावमग्न हो अपनी भावुक छवि का दर्शन करती हैं। विरह में भावनाओं के अतिरेक के कारण प्रकृति के ये अवयव, जो कभी सुखद अनुभूतियों के कारक बनते हैं, अब दुख के कारण और भयावह रूप में नजर आते हैं। गोपियों के आंसुओं के माध्यम से ये भाव सूरदास की कविता में कुछ इस प्रकार प्रकट हुए हैं। निसिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। और दूसरी बार कहती हैं, देखियत चहु दिसि में घन घोरे, मानो मत्त मदन के हथियन, बलकरी बंधन तोरे। भाव व्यंजना और भाव सबलता का यह पद, जिसमें यशोदा नंद को उलाहना देते हुए कहती हैं, नंद ब्रिज लीजे ठोकी बजाए, देहु विदा मिली जाही मधुपुरी, जह गोकुल के राय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार की भूमिका में इस पद की प्रशंसा करते हुए लिखा है, ठोकी बजाए में कितनी व्यंजना है। तुम अपना ब्रिज अच्छी तरह संभालो, तुम्हें इसका गहरा लोभ है, मैं तो जाती हूँ। एक एक वाक्य के साथ हृदय लिपटा हुआ आता दिखाई दे रहा है। एक एक वाक्य दो दो तीन तीन भावों से लदा हुआ है। श्लेष आदि कृत्रिम विधानों से मुक्त ऐसा ही भाव गुरुत्व हृदय को सीधे जाकर स्पर्श करता है। इसे भाव सबलता कहें या भाव पंचामृत, क्योंकि एक ही वाक्य नंद ब्रज लीजे ठो की बजाय में कुछ निर्वेद, कुछ तिरस्कार, कुछ अमर्ष,
तीनों की मिश्र व्यंजना जिसे भाव सबलता ही कहने से संतोष होता नहीं पाया जाता है। सूरदास के काव्य में सहृदयता और भावुकता के साथ चतुरता और वाक् विदग्धता का अनुपम संसार मौजूद है। उनकी चतुरता, व्यावहारिक समझ, वाणी की विदग्धता और वक्रता उनके काव्य को विशिष्ट बनाते हैं। माखन चोरी और बाल लीला में कृष्ण यशोदा का संवाद, उद्धव गोपी संवाद इस विलक्षण अभिव्यक्ति के उदाहरण हैं। आचार्य शुक्ल ने सूरदास की इस काव्य प्रतिभा के बारे में लिखा भी है, सूरदास में जितनी सहृदयता और भावुकता है प्रायः उतनी ही चतुरता और वाग् विदग्धता भी है। किसी भी बात को कहने के न जाने कितने टेढ़े मेढ़े ढंग उन्हें मालूम थे। गोपियों के वचन में कितनी विदग्धता और वक्रता भरी है। सूरदास की चतुरता कृष्ण और गोपियों के चातुर्य की अभिव्यक्ति में भी है। माखन चोरी के संदर्भ में माँ यशोदा से संवाद करते हुए कृष्ण अपनी प्रत्युत्पन्न मति से समझदारी से माँ के प्रश्न का ऐसा उत्तर देते हैं कि माँ हतप्रभ रह जाती है। कृष्ण कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबै मिली मेरे मुख लपटायो, देखत ही गोरस में चीटी काढ़न को कर नायो। चतुरता का इससे अच्छा उदाहरण कहाँ मिलेगा। भ्रमर गीत प्रसंग में गोपियों और उद्धव के बीच संवाद में चतुरता वाक् चातुर्य के कई प्रसंग हैं। प्रेम और विरह के प्रगाढ़ भावों के बीच वाक् चातुर्य से गोपियाँ अपने मन को भी हल्का करती हैं और उद्धव पर कटाक्ष भी करती हैं। बड़ी चतुराई से वार्ता करती हैं, वहाँ उनकी विलक्षण प्रतिभा देखते ही बनती है। उद्धव के योग को वे अपने लिए उपयुक्त नहीं मानती, इसलिए स्पष्ट रूप से कहती हैं कि योग तो ठगी का सौदा है जो यहाँ बिकेगा नहीं, हम इसका मर्म नहीं जानते। गोपियाँ कहती हैं, ऊधो जोग जोग हम नाहीं, ऊधो जोग बिसरी जनी जाहू, बांधहु गांठी कहूँ जनी छूटे फिर पाछे पछताहू। यह व्यंग्य और वाक् चातुर्य का सकारात्मक प्रयोग हुआ। गोपियों का लक्ष्य है कि वे इस चतुरता से एक ओर अपने हृदय में पल रहे कृष्ण प्रेम को, उनकी याद को और प्रगाढ़ करेंगी, दूसरे उद्धव से उन्हें छुटकारा भी मिलेगा, वे योग और ज्ञान पर प्रेम और भावुकता की जीत भी चाहती हैं। वाग् विदग्धता या वाणी की वक्रता सिर्फ चमत्कार पूर्ण कथन ही नहीं है, वह काव्य का कौशल भी है। कुंतक तो उसे कवि व्यापार का कौशल या प्रतिभा कहते हैं। सूरदास के काव्य में वाग् वैदग्ध का यह कौशल भ्रमर गीत सार में गोपियों के कथन में विशेष रूप से उपस्थित है। गोपियां उद्धव को संबोधित कर वचन वक्रता द्वारा जो अभिव्यक्ति करती हैं उसमें उनकी तिलमिलाहट और खीज भी है, जो कृष्ण और उद्धव दोनों के प्रति है। गोपियों के वाग् वैदग्ध की यह भी विशेषता है कि उनमें कोरी वचन वक्रता नहीं है, वह भाव प्रेरित वचन वक्रता है। भाव के साथ तर्क का सामंजस्य उनके वाग् वैदग्ध को विशिष्टता प्रदान करता है। गोपियों की वचन वक्रता का निशाना कभी कृष्ण और मथुरा के लोग होते हैं तो कभी उद्धव और उनका योग एवं ज्ञान। गोपियों की वाग् विदग्धता कृष्ण के प्रति उनकी अत्यधिक मोहाशक्ति को द्योतित करती है। वचन वक्रता में भाव सिक्त व्यंग्य है। मन की भावना वाणी की वक्रता के साथ कृष्ण और उद्धव के प्रति व्यक्त होती है। कृष्ण जो कहलाते तो गोपीनाथ हैं लेकिन करते हैं कुब्जा से प्रेम। गोपियां कहती हैं, काहे को गोपीनाथ कहावत, जो पे मधुकर कहत हमारे गोकुल काहे न आवत, सपने की पहचानी जानी के हम ही कलंक लगावत, जो पे श्याम कुबरी रीझे सो किन नाम धरावत। गोपियां यहाँ उद्धव से कृष्ण की निंदा करती हैं। उनका तर्क है कि कृष्ण अगर गोपीनाथ हैं तो फिर गोकुल क्यों नहीं आते, हमारी और उनकी पहचान स्वप्न जैसी है, खुद गोपीनाथ कहा कर क्यों हमें लज्जित करते हैं,
भ्रमर गीत में उद्धव गोपियों का सबसे अधिक व्यंग्य झेलते हैं। योग ज्ञान एवं पंडिताई लेकर उद्धव गोकुल आते हैं, पर गोपियां उनका परिहास करती हैं। उद्धव के पास पोथी ज्ञान तो है, लेकिन लोक ज्ञान की कमी है। गोपियां लोक ज्ञान से उद्धव के शास्त्रीय ज्ञान को पराजित करती हैं और व्यंग्य करते हुए कहती हैं, आए जोग सिखावन पांडे, परमारथी पुराननी लादे, ज्यों बंजारे टांडे, कहो मधुब कैसे समाएंगे, एक म्यान दो खांडे। आपस में संवाद करती हुई गोपियां कहती हैं, हे सखी देखो, ये पंडित जी हमें योग सिखाने आए हैं। गोपियों का पंडित संबोधन भी उद्धव की मूर्खता पर व्यंग्य है। ये पंडित उसी प्रकार अपने ज्ञान की पोथियों से लदे हैं जैसे कोई बंजारा बैल पर सामान लादकर व्यापार करता है। हमारे प्रियतम तो कृष्ण हैं ही, योग तो वे सीखें जो रांड हों। और बड़ी चतुरता से तर्क देती हैं कि एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं। गोपियां अपने एकनिष्ठ प्रेम को सिद्ध करने के लिए कई तर्क प्रस्तुत करती हैं। इसी क्रम में उद्धव के योग का उपहास भी करती हैं। गोपियों की वचन वक्रता में उद्धव के ज्ञान और योग की अच्छी खबर ली गई है। गोपियां उस ज्ञान को बैठे ठाले का ज्ञान बताती हैं जो योग जनित है। वे उद्धव को ज्ञान और योग का धूर्त व्यापारी समझती हैं, योग व्यापार को घाटे का सौदा कहती हैं और ब्रज में नहीं बिकने वाला जो नहीं है ऐसा कहती हैं, जोग ठगोरी ब्रज न बिकई हैं, यह व्यापार तिहारो ऊधो ऐसे ही फिर जई हैं, दाख छाड़ी के कटुक निबोरी को अपने मुख खई हैं। गोपियां बेबाक कहती हैं, तुम्हारी योग रूपी ठग विद्या इस ब्रज में नहीं बिकेगी, यह तुम्हारे साथ ज्यों का त्यों चला जाएगा, क्योंकि यहाँ यह किसी के हृदय में नहीं समाएगा। भला कोई अंगूर छोड़कर नीम की कड़वी निबोली क्यों खाएगा। इससे भी गोपियां संतुष्ट नहीं होती तो उद्धव के व्यापारी रूप पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रिज में आनी उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट जुधारी, धुरही ते खोटो खायो है लये फिरत सिर भारी। इन अहिरों की बस्ती में एक बड़ा व्यापारी आया है जो ज्ञान और योग की गठरी लेकर ब्रिज में उतरा है, जो हमसे भूसा या फटकन देकर कृष्ण रूपी स्वर्ण मांग रहा है। अपने इस खोटे सामान के भार को सर पर लिए घूम रहा है। गोपियों का यह तर्क महज उपहास नहीं है, उनकी वचन वक्रता एवं वाद विदग्धता का अद्भुत नमूना है। वे कृष्ण के वियोग में रोती या छाती पीटती हुई हाय हाय नहीं करती, बल्कि कृष्ण के उस संदेश वाहक को उसके ही तर्कों से पराजित करती हैं। सूरदास के भावों के प्रकटीकरण का यह सौंदर्य अप्रतिम है। यहाँ सिर्फ तर्क या शास्त्रार्थ की ही मुद्रा नहीं है, बल्कि प्रेम का भावनात्मक स्पर्श भी है। जब गोपियाँ कहती हैं, उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे हु निकसत नाही ऊधो तिरछे वैजु अड़े, हे उद्धव, हमारे हृदय में माखन चोर का रूप ऐसा छुप गया है कि वह किसी भी तरह नहीं निकलता, क्योंकि वे टेढ़े ढंग से हृदय में अड़ गए हैं। गोपियां अपने बालपन के प्रेम का तर्क देते हुए कहती हैं, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करिके छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अब अंतर गतियों लूटत। इस प्रकार सूर की भावना के साथ उनके कथन की शैली भी विदग्धता उत्पन्न करती है। सूर के यहाँ विदग्धता ऊपरी नहीं है, हृदय के गहरे भावों से निकलती है। इसीलिए गोपियाँ उद्धव से निराकार की जगह साकार कृष्ण की प्रशंसा करती हैं, जिनका प्रेम उनके हृदय में घर कर गया है। सूरदास अलंकारों के माध्यम से भी वाणी की विदग्धता उत्पन्न करते हैं। वक्रोक्ति अलंकार इसमें सबसे अधिक सार्थक है। गोपियां कहती हैं, ऊधो अब यह समझ भई, नंद नंदन के अंग अंग प्रति उपमा न्याय दई। यहाँ प्रथम पंक्ति में वक्रोक्ति अलंकार के प्रयोग से विदग्धता लाई गई है, तो दूसरी पंक्ति में काव्यलिंग रूपक और व्यक्तिरेक के आधार पर
कथन भंगिमा पैदा की गई है। सूरदास के काव्य में वाग विदग्धता प्रेम की तन्मयता और गहराई का प्रतीक है। भाव प्रेरित यह वचन वक्रता सूरदास के काव्य की विशिष्टता है। वचन वक्रता में कल्पनाशीलता के समावेश से सूरदास गोपियों की भावनाओं का प्रभावी चित्रण करते हैं। ग्रामीण और लोक जीवन के गहरे बोध से संपृक्त मुहावरों और लोकोक्तियों में यह अभिव्यक्ति और भी विशिष्ट बन जाती है। सूर की वचन वक्रता की इस सृजनात्मकता की ओर संकेत करते हुए मैनेजर पांडे ने भी लिखा है, आचार्य शुक्ल जिसे वाग विदग्धता कहते हैं, वह केवल वचन वक्रता और शब्द क्रीड़ा नहीं है, उसमें व्यंग्य और विनोद के साथ गहरी कल्पनाशीलता भी है। वही कल्पनाशीलता अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों की खोज में सक्रिय दिखाई देती है। अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों की खोज में सूरदास की कल्पना ग्राम समाज की ओर जाती है, क्योंकि वही कवि के ज्ञान और अनुभव का परिचित क्षेत्र है और गोपियों का वास्तविक परिवेश भी। गोपियों की भाव दशाओं को अधिक प्रभावशाली और चित्रात्मक रूप में व्यक्त करने के लिए यदि कहीं कोई अलंकार आता है तो वह किसान जीवन के किसी न किसी अनुभव से जुड़ा होता है। उद्धव गोपी संवाद में गोपियों की वचन वक्रता में उनके व्यक्तित्व और लोक के परिवेश की विविध छवियां दिखाई देती हैं। लोक के सहज एवं निष्कपट वक्तव्य में उनकी वचन वक्रता भावों के साथ समाविष्ट हो गई है, इसलिए उसको भाव प्रेरित वचन वक्रता कहा जाता है। भ्रमर गीत के इन पदों में तदयुगीन समाज और किसानी जीवन की संस्कृति का भी बोध जुड़ा है। कृष्ण के व्यवहार से निराश और विरह में विक्षुब्ध गोपियों को जब उद्धव कड़वी बातें सुनाते हैं तो उनका मन और भी व्यथित हो जाता है। अपनी इस व्यथा को, भाव दशा को भाव प्रेरित वचन वक्रता में लोक के मुहावरे और किसानी जीवन की संवेदना को गोपियों के माध्यम से सूरदास ने इस प्रकार लिखा है, लरी मरी झगरी भूमि कहू पाई जस अपजस बितई, अबलों सूर कहती है उपजी सब ककरी करुई। कहना न होगा कि सूर के काव्य में विदग्धता काव्य के आंतरिक और बाह्य दोनों भावों से फूटती है। गोपी उद्धव संवाद में गोपियों की वाणी में यह आरंभ से अंत तक व्याप्त है। वह अपनी बात उपालंब या उलाहने से आरंभ करती हैं और धीरे धीरे उसमें प्रेम भाव, स्मृति और संवेदना की गहराई आती जाती है। भाव प्रेरित यह वचन वक्रता सिर्फ भाषिक चमत्कार नहीं पैदा करता, वह भावों की अतल गहराई में जाकर प्रेम की प्रतिबद्धता और समर्पण का प्रतीक बन जाता है। तभी तो गोपियों के इन कथनों से उद्धव निरुत्तर और मतिहीन हो जाते हैं। अंततः निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि सूरदास की सहृदयता और वाग विदग्धता का विवेचन विश्लेषण एक मनोहारी विषय है। सूरदास के काव्य की यह सबसे विरल और सृजनात्मक अभिव्यक्ति है। कृष्ण लीला और भ्रमर गीत में सूरदास सहृदयता और वचन वक्रता का चित्र उपस्थित करते हैं। गोपियों और उद्धव के संवाद में गोपियों के सहारे सूरदास की वाग विदग्धता का सबसे अच्छा परिचय मिलता है। उद्धव के शास्त्र ज्ञान के समानांतर गोपियाँ लोक के अनुभव से वाग विदग्धता और सहृदयता की विविध छवियों का प्रयोग करती हैं। इस प्रसंग में सूरदास की काव्य भाषा और काव्य रूप के अंतर्गत लोक भाषा, छंद, अलंकार और लोक की विधि, ये सब मार्मिक छवियों का चित्रण सूरदास के काव्य की सृजनात्मकता का अनूठा उदाहरण है। धन्यवाद।